उदाहरण दो इन प्रश्नों को सरल कीजिए। पहला, 3 की घात 4 गुणित 3 की घात -8। हमें ज्ञात करना है 3 का घात 4 गुणित 3 का घात -8। हम जानते हैं सबसे पहले हम 3 के घात -8 को समझते हैं। इसके लिए क्योंकि यहाँ पे घात ऋणात्मक है तो हम लिखेंगे इसे 1/3 का घात 8। घातांक का नियम, चूंकि 1/(m) = 1/(m) होता है, अतः 3 का घात 4 गुणित 3 का घात -8 को हम लिख सकते हैं 3 का घात 4 गुणित 1/3 का घात 8 बराबर, हम इसे लिख सकते हैं 3 का घात 4/3 का घात 8 बराबर। यहाँ पे हम घात में भाग का नियम को लगाएंगे। यहाँ पे आधार 1 है तो 3 लिखें और घात को हम घटाएंगे 4/8, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि घातांक के नियम से 1/(m/(1)n) = 1/(m)-n होता है बराबर 3 का घात 4/8 = 4। यह उदाहरण का हल होगा। दूसरा, कोष्टक में -2 की घात -3 गुणित कोष्टक में -2 की घात -4। हमें -2 का घात -3 गुणित -2 का घात -4 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे घात ऋणात्मक है, ऋणात्मक को धनात्मक में बदलने के लिए हम इसे लिखेंगे 1/(-2)/3 गुणित, पुनः हम ऋणात्मक घात को धनात्मक में बदलने के लिए इसे लिखेंगे 1/(-2)/4। चूंकि हम जानते हैं घातांक का नियम 1/(-m) = 1/(1)/m होता है बराबर 1 × 1 = 1 अंश में बटा, यहाँ पे आधार -2 1 है दोनों के घातांक में, तो हम -2 को एक बार लिखेंगे और घातों को का योग होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने घातांक में गुणा का नियम लगाया है। गुणा का नियम 1/(m) × 1/(n) = 1/(m)-n होता है बराबर 1/(-2)/3^(4)/7 बराबर। यहाँ पे हम हर को, हर में जो संख्या है उसे अंश में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2)/-7। यहाँ पे हमने घातांक का नियम लगाया है 1/(1)/m = 1/(m), तो -2)/-7 हमारा उत्तर आया। यह उदाहरण का हल होगा।